भागलपुर सुल्तानगंज के अजगिवीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा तट पर उदयमान सूर्य को अर्घ देने के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ शुरू हो गई थी। इस दौरान छठ व्रतीय महिलाओं ने गंगा घाट पहुंचकर गंगा में स्नान करते हुए उदयमान सूर्य को प्रार्थना करते हुए गंगा में खड़ी हुई और कोरोना महामारी से भारत देश को बचाने के लिए कामना किए। साथ ही छठ व्रतीय महिलाओं ने आराधना करते हुए छठ व्रतीय सूप लिए और सैकड़ों भक्तों ने अर्घ देते हुए कोरोना महामारी से बचने के लिए प्रार्थना किए। इस दौरान भक्तों ने बताया कि कोरोना महामारी में बाजार में सामान खरीदारी में काफी कठिनाई हुई है, इसलिए भगवान भास्कर से प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना महामारी से जल्द निजात दिलाए। इस दौरान गंगा घाटों में सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने काफी उत्साह के साथ अर्घ दिए। नगर परिषद द्वारा गंगा घाटों में नाव की व्यवस्था और साफ सफाई की गई थी। भागलपुर सिटी से नीलांबुज कुमार झा की रिपोर्ट। लोक आस्था के इस पर्व में लोग बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ चैती छठ मना रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में कुछ परेशानियां हुई मार्केटिंग करने में, फिर भी लोग में उत्साह की कमी नहीं हुई और लोग आस्था का पर्व प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मना रहे हैं। क्या मांग करते हैं इस महामारी को दूर करने के लिए? मांग करते हैं कि आपदा की यह घड़ी जो है जल्द से जल्द खत्म हो जाए और सूर्य देवता से यही चाहते हैं कि लोगों के ऊपर जो रोजी रोजगार का संकट है इस महामारी के कारण वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सच्चिदानंद। Press the bell icon on YouTube and never miss another update.